अगर आपको लग रहा है कि ये लड्डू हलवाई की दुकान से लाए हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बनाए हैं हमने घर पर, बस 2 कप बेसन, 1.5 कप चीनी और 1/2 कप घी। ये बने हैं बहुत ही स्वाद दानेदार और इन्होंने घी भी छोड़ दिया है। ये सिर्फ 1/2 घंटे में बनके तैयार हो जाते हैं, तो आप किसी भी पूजा या त्योहार पर इन्हें बनाएं और मजे से खाएं। हे फूडीज, वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आप सभी को त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन लड्डू। ये सिर्फ थोड़े से घी में बनके तैयार हो जाते हैं, तो चलो इनको बनाते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लड्डुओं की रेसिपी देखें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बेसन लड्डू बनाने के लिए बेसन लिया है मैंने 2 कप, 1.5 कप ली है मैंने पाउडर्ड शुगर, आप चाहें तो बूरा भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स 1 टेबलस्पून, पिस्ता, 12 से 15 काजू, उनको मैंने 2 से 3 पार्ट्स में कट कर लिया है, और 10 से 12 बादाम और 1/2 कप देसी घी। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून देसी घी। सारा घी हम अभी नहीं डालेंगे, बाकी का घी डालेंगे हम थोड़ी देर बाद। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें रोस्ट करेंगे हम अपना बेसन और फिर घी के साथ उसको स्पैचुला से मिला लेंगे। बेसन को हमें रोस्ट करना है लो मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर रोस्ट करने से बेसन के जलने का डर है, जिससे कि लड्डुओं में स्मोकी स्मेल हो जाएगी। 5 से 6 मिनट रोस्ट करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, और अगर आपको लगे कि बेसन सूखा सूखा सा है तो आप जरूरत के हिसाब से ज्यादा घी भी डाल सकते हैं। इसको अब हम थोड़ी देर और रोस्ट करेंगे। फ्लेम को इस टाइम भी मीडियम पर ही रखना है। इसको भूनते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बेसन की बहुत बढ़िया अरोमा आ रही है और इसका कलर भी धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन टर्न हो रहा है। अब हम अपने मिक्सचर में पानी के 2 छींटे मारेंगे, जिससे झाग आएगा और हमारे लड्डुओं का मिश्रण अच्छा और दानेदार बनेगा। इसको 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम डालेंगे इसमें अपने काजू और बादाम और ड्राई फ्रूट्स को अपने मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। बेसन लड्डू को भुनने में मुझे लगभग 25 से 30 मिनट हो गए हैं, तो मिक्सचर हमारा बढ़िया रोस्ट हो गया है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए और इसको फैन के नीचे रख देंगे टू कूल डाउन। जब ये लड्डू आपके बन जाएंगे तो इनको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए बाहर रखना, नहीं तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो डालेंगे इसमें हम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का फ्लेवर बेसन लड्डू में काफी अच्छा लगता है। और अब डालेंगे हम शुगर। मैंने यहाँ पाउडर शुगर ली है, आप चाहें तो बूरा भी डाल सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। सारी शुगर को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हम हाथों से बेसन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगर हम चीनी गरम बेसन में डालेंगे तो ये पिघल जाएगी, इसलिए हम इसे ठंडा होने के बाद ही डालते हैं। जितने ये स्वाद बनते हैं उतने ही ये बनाने में आसान है। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा घी, जिससे कि हमारा मिश्रण थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाएगा और लड्डुओं का टेक्सचर अच्छा आएगा। घी को भी हम अच्छे से हाथों के साथ मिला लेंगे। अब हम अपने मिक्सचर को बाइंड करके देखेंगे, क्योंकि ये आराम से बाइंड हो रहा है, मतलब हर चीज का प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक है। हमारे बेसन लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल बन के तैयार है। हम अपनी बाकी की शुगर भी डाल लेंगे और मिला लेंगे। क्यों है ना बेसन लड्डू बनाना आसान? आपको लड्डुओं में कौन सा लड्डू पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बस मिश्रण तैयार है, अब बनाएंगे हम अपने लड्डू। उसके लिए लगभग 3 चम्मच बेसन मिक्सचर को हाथ में लेंगे और गोल आकार में इसको शेप देंगे। आप चाहे तो अपनी मर्जी से छोटा बड़ा साइज का लड्डू बना सकते हैं। एक बार जब उसकी गोल आकार हो जाएगी तो हम उसमें डालेंगे पिस्ता। उसके लिए थोड़ा सा उसको क्रैक करेंगे, पिस्ता बीच में डाल के फिर से उसको गोल आकार देंगे। एक बार जब पिस्ता लड्डुओं में सेट हो जाएगा तो इस तरीके से हथेली में उसको रोल करेंगे। इस प्रोसेस से लड्डू बिल्कुल गोल आकार का हो जाता है और साथ में ही घी भी रिलीज कर देता है। ये देखिए क्या बढ़िया बेसन लड्डू बना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस करके हमने बनाया है हलवाई जैसा स्वादिष्ट बेसन लड्डू।
इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू को भी बना लेंगे। इन लड्डुओं को बनाने की कुछ टिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। पहली, अगर आपका मिक्सचर लूज हो जाए और लड्डुओं की शेप ना आ पाए तो उसको आप 5 मिनट तक फ्रिज में रख दें। दूसरी टिप, अगर आपका मिक्सचर टाइट हो जाए तो थोड़ा सा गर्म घी अपने मिक्सचर में डाल लें। तीसरी टिप, लड्डुओं की क्वालिटी को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो दरदरा पिसा हुआ बेसन का इस्तेमाल करें। उसके लिए आप चना दाल को 7 से 8 मिनट तक रोस्ट करने के बाद मिक्सी में दरदरा पीस लें। तो हमारे 2 कप बेसन से बन गए हैं बढ़िया 14 लड्डू, जो देखने में ही इतने मुंह में पानी ला देने वाले लग रहे हैं। तो आने वाले त्योहार के लिए आप बनाएं ये बेसन लड्डू और सभी का दिल जीत लें। बेसन के दानेदार लड्डू हमारे बन के तैयार हैं। मैं इनको खा के बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये दुकान पे मिलने वाले बेसन लड्डू से भी बहुत स्वाद बने हैं। इनके अंदर ड्राई फ्रूट का नटी फ्लेवर आ रहा है और बेसन तो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो क्यों ना आप इस दिवाली लड्डू बनाएं और गणेश भगवान जी को भोग लगा के उन्हें खुश कर दें। और कौन कौन सी मिठाई है जो आपको बहुत पसंद है और आप चाहते हैं उनकी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आप मेरी और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आशिमास किचन को भी फॉलो कर लें। और इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप वहां पे इनको चेक कर लें। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।